अली ने जवाना ने बनी हाशिम को हमारे मुकाबले में भेजा है। खलीफा के जानशीन को तो उनका दिफा करना चाहिए, न उनकी मुखालिफत। जब तक बनी हाशिम दरवाजे पर खड़े हैं, कोई तलवार नहीं चला सकता। खलीफतुल मुस्लिमीन कहाँ है? मुस्लिमीन के शर से कोठरी में पनाह लिए। तलवार बांध रखी है इब्ने नफीरा। खलीफा की मदद के लिए आए हैं बलवाई। अगर खलीफा को निकालना चाहें तो बनी हाशिम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अली खलीफा की मैयत को भी नहीं छोड़ेंगे? मेरे भाई हसन हुसैन और अब्बास भी दरवाजे पर खड़े हैं। जवाना ने बनी हाशिम इजाजत नहीं देंगे खलीफा पर जर्रा बराबर भी आंच आ सके। जब तक खुदा खलीफा के साथ है, उसे अली और औलाद अली की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ। हम अपने बाबा अली के हुक्म से आए हैं, सिर्फ खलीफा के हुक्म से जाएंगे। ओह अली 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 अली, ना जीने देंगे ना चैन से मरने देंगे। अली के हामी औलाद अली से जंग करेंगे। कोया मेरे दाहिने हाथ से मेरा बायां हाथ आके लड़े। अली अगर इतने ही खैरखां है तो बलवाइयों को क्यों नहीं निकालते? बलवाई तो चले गए थे। वो खत जो तुमने खलीफा के खून से लिखा, उसने उन्हें लौटने पर मजबूर कर दिया। तुम रियासत के दीवाने हो मरवान, अंजाम भी देखोगे। घर मुहासरे में, अब बलवाइयों को कोई नहीं रोक सकता। वो तुम्हारा खून चाहते हैं और खलीफा काजी। तो है बनी उमैया पर के वो बैठे रहे और बनी हाशिम उनके घर की हिफाजत करें। देखता हूं मौत मरवान का क्या बिगाड़ लेगी। ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती। अब आओ मेरे साथ। खामोश हो जाओ लोगों, देखो मरवान आया है। मरवान, मरवान। ए मोमिनीनो मोमिनात, मैं हूं मरवान, वही जिसका खून तुमने हलाल जाना है। मिस्र के बलवाइयों के कत्ल का फरमान मैंने जारी किया है। खलीफा का इसमें कोई दखल नहीं है। वो खलीफा जो खौफ खुदा से गिड़गिड़ा कर तौबा करे, अहद चिकनी नहीं कर सकता। अहद तो मैंने तोड़ा है, चूंकि मेरा तुम्हारे साथ कोई अहदो पैमान नहीं। कबल इसके के खलीफा तौबा करे, मैं उसके मुखालिफों का खून हलाल जानता था और यह फरमान उसी दौरान सादिर हुआ। तुम उसी कौम कबीले से हो जिसे मर्दानगी में सिर्फ दाढ़ी मिली है। अगर वो भी मुंडा लो और हाथों में चूड़ी पहनकर गालों में लाली लगाकर घरों में बैठ जाओ तो और भी भले लगोगे। अगर अपनी औरतों को तलवार देके भेजा होता और वो जंग करती हैं ऐसों से जिनके पास न लश्कर है न सिपाह, तो कम से कम खलीफे मजलूम के कत्ल का दाग तुम्हारी पेशानियों पर ना होता। क्योंकि अगर औरतें हजारों की तादाद में भी हो, एक मर्द उन पर भारी है। तुम बेईमानों की फौज ना खुदा पहचानती है ना खलीफे खुदा। चले जाओ, वरना अगर मेरी तलवार निकल आई तो अकेला ना मर्दों के एक लश्कर को पछाड़ दूंगा। अरे ओ गिरगुट की औलाद, मैं हूं नारे असलमी साहबी मोहम्मद। ऐसे रजस तो बारहा जंग के मैदानों में तेरे बाप दादा के मुंह से भी सुन चुका हूं, लेकिन जहां भी जंग छिड़ती है सारे रजस भूल जाते हो। ये तुम्हारे बाप दादाओं का गुरूर जाहिलियत है जो तुम्हें अपने किए से नादिम होने नहीं देता। अपनी तलवार रख दो और बात मान लो मरवान, ये लोग खून खराबे के लिए नहीं आए हैं। तुम मेरी बात मान लो और तलवार रख दो मरवान, ये लोग तुम्हारे खतलो गारतगरी के लिए नहीं आए हैं, समझे? अरे गजब कर दिया, निहार
इस्लामी को कत्ल कर दिया, सहाबी रसूल को कत्ल कर दिया, मुसीबत। वो मनून सहाबी रसूल को कत्ल करता है, सहाबी रसूल का ये खलीफा खुदा के घर का घेराव करता है। अगर बनी हाशिम न होते तो तुझे घर के साथ दफन कर देता। इन लोगों पर पानी बंद कर दो इब्ने उदैस, प्यासे रहेंगे तो जबान हिलाते हिलाते तुम्हारे कदमों पर आ गिरेंगे। बंद कर दो पानी इब्ने उदैस। बको, क्या बकना चाहते हो? तुम्हें लश्कर शाम के मदद पहुंचाने पर यकीन है? मुझे तो सिर्फ इस अनार पे यकीन है जो मेरे हाथ में है। मरवान की बात मानना बिल्कुल बेवकूफी है। हम यहां आखिर किस लिए रुके हुए हैं? तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो रुका हूं कि कूफे की हुकूमत फिर से गस्प कर सकूं। अकल गई है चरने? कूफे की इमारत चाहिए दो घूस शराब में बेचने के लिए? कूफे की हुकूमत मुझे उस काली आंखों वाली के लिए चाहिए। ज्यादा चढ़ा ली है, तुम भूल गए कि हम घिरे हुए हैं। काश के चौके ताने बराबर ही गैरत होती। ये बनी उमैया अपनी गैरत निगल तो गए, बेचारे जब हजम न कर सके तो कह कर डाली। तुम भी तो आले उमैया की गैरत का एक नमूना हो। मैंने कूफा शराब के दो घूंट में बेच दिया, तुमने कौन सी नजासत ठोंस ली थी जो मालिक अस्तर ने तुमको टट्टू की तरह लात मारकर भगा दिया। बकिया तकरीर बाद में होगी। पानी का ये आखिरी कूजा था चाचा वलीद, घर में सिवाय खारे पानी के कुछ भी नहीं है। इजाज के कंजूस आसमान पर टुकटुकी बांधो चाचा की जान, खुदा का क्या भरोसा? हो सकता है खताकार आले उमैया पर भी अब्रे रहमत नाजिल कर दे भतीजी। तुम हो मरियम? तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात गए तुम जा क्यों रही हो? सोने के लिए सुकून जरूरी है, मगर हम हिसार में हैं। बलवाई मेरे खून के प्यासे हैं। बेगम साहिबा सुकून से सो सकती हैं। तुम्हें तो गुरू ने घेरा है और तुमने मुझे घेरा है। मैं आज रात तमाम हलके तोड़ दूंगी। ठीक ही कहती हो, तुम्हारे तोड़ने का कोई जवाब नहीं है। दरवाजे के पाते एक अंदाज के ना हो तो बंद नहीं होता। खलीफा को अपने हाथ की खयानत पर यकीन है। आईने में देख। एक तरफा ताजगी का मुआयदा नहीं था तेरा, एक रुखसार ताजा क्यों है?
پسر حکم یہ عشق کی لگی چوٹ ہے تو کسی عشق کا قابل نہیں ہے آج رات میں شاعر ہوں ہاں بہت اچھا ہے تو ارشاد ہو شب ازدواج سلیمان کی غزلوں سے دل لگا رہے تھے آج رات میں بھی سلیمان کی غزلوں پہ ختم کروں گی مروان اب یہ سلیمان کا جھولتا ہوا تخت ہے کہ جس کے گرد خوف زدہ دلاور ہے شب شب خوف ہے اور تلواریں ہیں برہنا اور تو مروان میری عمر کا لذیذ ترین گناہ تھا اب میری ہمیشہ کی توبہ اور ایسی توبہ جو مجھے کبھی اپنے دل کا مطیع نہ کرے تم مر چکے ہو مروان لیکن میں ابھی زندہ ہوں زندہ کتا مرے شیر سے بہتر ہوتا ہے کاش تم ایک کتا ہوتے تو تمہاری وفا پہ ناز کرتی میرے کفن کو ہاتھ نہ لگاؤ مریا اس گھر کا مرد کون ہے خلیفہ پیاسے ہیں رکو مریم کہاں جا رہی ہو یہ بےغیرت قوم مرد عورت میں تمیز نہیں کرتی کہیں سارا پانی نہ پی جائے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے آلو میاں کو آج اپنے اجداد کے قاتل کے ہاتھ سے سیراب ہو رہے ہیں مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی
ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ نہیں وردان، ہم کتے کو نہیں ماریں گے۔ کتے تم ہو، داڑھی مونچھ رکھ کے اپنے کو مرد سمجھتے ہو؟ اس کی زبان کو لگام دینی پڑے گی، تیار ہو جا۔ اہلن و سہلن طلحۃ الخیر، آج یہاں تم نماز پڑھاؤ گے یا زبیر؟ ابھی زہر کا وقت نہیں آیا۔ تو دو رکعت شکرانہ ہی پڑھ لو۔ اصلی خلیفہ تو مر گیا، وہ جو گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھا ہے وہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اگر علی نے پانی نہیں پہنچایا ہوتا تو وہ بھی مر چکا ہوتا مغیرہ۔ دیکھا، خلافت کی میراث بانٹنے کے چکر میں ہے ابا خدام، میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابن ادیس، اگر خلیفہ کا خون چاہتے ہو تو گھر کے پیچھے کی دیوار سے داخل ہو جاؤ۔ نہیں مغیرہ، ہم ردائے خلافت چاہتے ہیں، نہ کہ خون خلیفہ۔ اے مرد عرب، خلیفہ کی رضا تو ان کے تن پر ہے۔ 40 دن تم نے ان کو نظر بند رکھا، ان پر پانی بند کر دیا، ان کے گھر والے پیاسے رہے، ان کے داماد کو مار ڈالا۔ اگر خلیفہ کو رضا اتارنی ہی ہوتی تو اب تک اتار دیتے۔ خلیفہ نے رضا کو اپنا کفن بنا لیا ہے، اب انہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ادھر سے جاؤ ابن ادیس، گھر کے پیچھے سے داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ میں ہوں مریم، دختر خلیفہ خدا
ईसा की माँ की हम नाम। अब मैं दफ्तरे अदालत में गेसु परेशान किए कसर अदालत में खड़ी मैं गिरिया नहीं कर रही हूँ। आओ मदीने की माओ सबके खहे लगाए क्योंकि अब खलीफा ने रिदाए खिलाफत को कफन बना लिया है। दरवाजा बंद करके सजदा कर रहे हैं और जीरे लब तकरार कर रहे हैं कि हम हमेशा खुदा के मेहमान हैं। हाँ हाँ हम हमेशा खुदा के मेहमान हैं। खलीफा उस्मान इब्ने अफ़ान का कत्ल हो चुका है और शहर पैगंबर मदीना शूरिश व इस्तराब की लपेट में है। कोई नहीं जानता कि आइंदा खलीफा कौन होगा। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन आफतज़दा दिनों में मसलहतन खाना नशीन हो गए। गमजदा और परेशान हाल लोग मस्जिद में जमा थे। साहिबान राय सर जोड़ कर बैठे थे ताकि खलीफा से महरूम होने वाली अबा के लिए खलीफा मुय्यन करें। खलीफा मरा है या खिलाफत? तुम सब सोग में बैठे आसमान को तक रहे हो कि खलीफा आसमान से नाज़िल होगा। मोहम्मद खातमुल अंबिया थे। ताज्जुब है खलीफा को रुख्सत हुए 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक रिदाए खिलाफत किसी ने नहीं ओढ़ी। खलीफा मरहूम की मौत की खबर नए खलीफा की जानशीनी की खबर के साथ जल्द से जल्द शहरों तक पहुंचनी चाहिए वरना ममलिकत का हर इलाका कुत्ते के मुंह में हड्डी के मानिंद हो जाएगा। तुम लोग और तुम साथ जो कि तलहतुल खैर और सैफुल इस्लाम जुबैर के साथ अहले शूरा में से थे मिलकर मशवरा करो। हमें वो हाथ चाहिए जिसकी हम बैत कर सके। अगर बैत लेने के लिए कोई तैयार ना हुआ तो क्या? तब तलवार का सहारा लेंगे। घूमन है तुम्हें अपनी तलवार पे। ए बुद्धू, पहले खलीफा को कत्ल करते हो फिर खलीफा बनाते भी हो। तुम्हारी तलवार के होते हुए मुसलमानों को जरूरत ही किसकी है? लाखों अरब बे छत्ता शहद की मक्खियों की तरह इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। ताने के बजाय मशवरा करो सरदार। कूफे और बस सरदारों में कई लोग गायब हैं। कातलीन खलीफा को जाके उनमें तलाश करो। बस करो बस करो। अगर तलवारों की जबान होती
खुद मुजरिमों का पता देती, समझे? मर्ज़े अरब, तुम्हारे पास तलवार तो मौजूद है, फिर अहल शोरा की क्या जरूरत है? जो जख्म मरहम से ठीक हो जाए उसे दागा नहीं जाता। हम खलीफा का जानशीन चाहते, न खलीफा का कातिल। बहरहाल ये जान लो, अगर वक्त गुजर गया और खलीफा मुकर्रर न हुआ तो मुझे भी खुदा अहकमुल हाकिमीन की कसम तमाम अहले शूरा की गर्दनें उड़ा दूंगा। अली की भी गर्दन उड़ाओगे? हाँ, अली की भी। इब्ने उदैस, ना तुम्हें खैबर का इस्तेकाम है, ना ही उसके दरवाजे जैसा वजन। बेसोचे समझे रजस्खानी न करो, जाकर अपने बाप से पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि अली की जुल्फिकार ने अमर की क्या गत बनाई थी। अम्र? कौन सा अम्र? नहीं जानते तो तुम नहीं जानते। तुम ठीक कहते हो, अली की जुल्फिकार भी आ जाए तब भी तुम जैसे जाहिलों की हर धर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते। अबुल हसन नहीं दिख रहे हैं? यही तो सवाल है जो कई रोज से अरब एक दूसरे से कर रहे हैं, जबकि अली जुल्फिकार चलाने के बजाय बेलचा चला रहे हैं और कभी खुदाल हाथ में लिए कुआं खोदते। क्या उनको यह कहते हुए नहीं सुना कि अपनी फटी हुई जूतियों को भी अरब पर हुकूमत के बदले नहीं दूंगा? और कभी कहते हैं कि तुम्हारी दुनिया मेरे नजदीक एक बकरी की छींक से ज्यादा भी बदतर है। उन्होंने हमसे मुंह मोड़ा है तो क्या हम उनसे मुंह ना मोड़े? मैं कसम खाकर कहता हूं कि अली इस वक्त भी अपने घर में बैठे हुए हसन और हुसैन के उन जख्मों का मदावा कर रहे हैं जो खलीफा मक्तूल का दफा करते वक्त उनको तलवारों से लगे थे। अगर वो खलीफा मक्तूल के सोगवार हैं तो होने दो, तुम अपने दरमियान से खलीफा का इंतखाब कर लो। करो इंतखाब। बताओ तुम में से कौन बैत लेने के लिए तैयार है? करो, तयन करो, तलतुल खैर या सैफुल इस्लाम जुबैर। तुम कहो। जब तकदीर ने मेरे लिए लिबास खिलाफत तैयार कर दिया है तो पहनना ही पड़ेगा वरना गुनाहगार हो जाऊंगा। देखना उम्मत क्या चाहती है। उम्मत खलीफा चाहती है शेख। अब तुम अपने दरमियान से किसी को खलीफा मुंतखब करो। السابقون السابقون أولئك المقربون سعد تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانے مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے مومن تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متعصب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے اب کیوں ذمہ داری سے کترا رہے ہو تم بھی تو رداء خلافت کے حقدار ہو ठीक है इस्लाम लाने में तो आप लोगों के साथ हूं लेकिन दयानतदारी में क्या। मेरी जिंदगी तो सफर और सिफारत में गुजर गई गुजर गई। खाली सुना है वहदहू ला शरीक लहू लेकिन समझा नहीं, नहीं समझा। मैं तो आप लोगों की दुआ का मोहताज हूं। खुदा बड़ा मेहरबान है और बंदा नवाज। और आप लोग औलिया और खुलफा के रिश्तेदार हैं। आप तलतुल खैर अबू बकर सिद्दीक के भतीजे और आप जुबैर खलीफा के दामाद हैं। चलो हाथ बढ़ाओ जुबैर, मैं आपकी बैत करता हूं। ये क्या कर रहे हो खुदा के बंदो? कैसी बातें कर रहे हो? बारे खिलाफत कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी उठा के मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। ये रिदाए खिलाफत जिसे बातों ही बातों में आप एक दूसरे को पेश कर रहे हैं,
कोई बिकाऊ माल नहीं जिसे किसी भी बनिया या बकाल से खरीदा जा सके। ये खिलाफत का शजर जिसे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से सहचा है, जो सैयद शोहदा हमजा के टुकड़े जिगर, जो रसूल खुदा के शहीद दंडान मुबारक, हजारों शोहदाए बद्र, उहद, खंदक, खैबर के खून का विरसा है। लिल्लाह इसे पामाल न करो। रिश्तेदारी की बात हो तो अली अहले बैत से है, शमशीर की बात करते हो तो दीन मोहम्मद जुल्फकार अली का एहसान मंद है। अगर दयानतदारी देखते हो जो चाहो मुझे कहना, अगर अली की एक लफ्जिश को मैं तुमसे लाखों दिरहम में न खरीद लूं, हुकूमत और कजावती उमूर में गुज़िश्ता खुलफा ने बारह अली के दर पर दस्तक दी है। खिलाफत के लिए पाक और ताहिर हाथों को तलाश करो मेरे भाइयों। सुनो, अली ने खलीफा उस्मान की दिफा के लिए रसूल के नवासे हसन और हुसैन को कुर्बानगाह भेज दिया। खुदा की कसम, सालेह तरीन मर्द हमारे दरमियान अली है। हाँ बेशक, हम भी ये चाहते हैं कि ये मनसब अली संभाले। वो कबूल नहीं करते तो हम क्या करें? इसरार करें। कहते हैं वजीर बनना मेरे लिए अमीर बनने से बेहतर है। अना मदीनतुल इल्म अलीन बाबुहा। इंसाफ कैसा जबकि अली जैसा इल्म नबुवत का दरवाजा होते हुए अली को उम्मत की क्यादत न दी जाए। हदीस नबवी नहीं सुनी? मन कुंतुम मौला फहादा अलीयुन मौला। अली की फजीलत में किसी ने शक नहीं किया हकीम। इसरार के बावजूद भी कबूल नहीं करते, अब जबरदस्ती करें? जिम्मेदारी आयत करते हैं, शरई जिम्मेदारी। आप शूरा के बुजुर्गों में से हैं ना? तो यकीनन शूरा की हैसियत से भी वाकिफ होंगे। क्या खलीफा मक्तूल अस्हाब और ऐसे शूरा से नहीं थे? फिर भी देखा बात कहां तक क्या पहुंची। तुम बलवी, खलीफा ही चाहते हो ना? खलीफा गढ़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। खलीफा ये रसूल हो, मुश्किल ये है। जब हमें यकीन है कि अली आलिम तरीन, आदिल तरीन और बातकवा तरीन फर्द हमारे दरमियान में है, तो रिदाए खिलाफत भी उन्हीं के दोष पर होना चाहिए। आप लोगों का साथ होगा तो अबुल हसन पर जिम्मेदारी आयत होगी। साथ देने का इकरार तो करो। सुन लिया आप लोगों ने, चले अब ये भी करके देख लेते हैं। बेकार दिल लगाए रखा। आज अली को 25 साल की खाना नशीनी का फल मिल रहा है, समझ गए? काश तुम्हारे हाथ मक्तूल खलीफा के खून में रंगे न होते। ऐ नाकाम खुलफा। अय्युहन नास, अब जबकि सब अली पर मुत्तफिक हो गए हो तो अपने तहत पर कायम रहना। अगर अली ने कबूल किया तो किया, अगर कबूल न किया तो हम अपनी तलवार से उन्हें लिबास खिलाफत पहनाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए अबा मोहम्मद? उनकी खिलाफत को मानना होगा। हमें बसरा और कूफे की हुकूमत मिल जाए तो काफी है। अली रो, अली रो, अली रो, अली रो।
भाइयों, अली की भी एक शर्त है। राहवार अगर तोहफे में मिले तो उसके दांत नहीं गिना करते अम्मार। हाँ, नहीं गिना करते। अगर तोहफे में 6 सरों वाला अजदहा मिल जाए जिसने खलीफा को भी डस दिया है तो तब क्या करोगे? अय्युहन्नास, अगर अली ने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली तो वो अपने इज्तिहाद पर हुकूमत चलाएंगे। मैं अपने मौला को खूब जानता हूं। अगर अली खलीफा हो गए तो गस्बी अम्वाल को, अगरचे वो औरतों के जहेज का हिस्सा क्यों ना हो, वापस लेंगे। जो जमींदार हो गए हैं, सवारी के लिए जानवर रखते हैं और नाजुक बदन कनीजें भी रखते हों, वो भी जान लें कि इब्न अबी तालिब उन सबसे पूछेंगे कि किस तरह हासिल किया है। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत किया, जहाद किया, पैगंबर इस्लाम के साथ रहे, वो भी जान ले कि अपना अजर सवाब खुदा से मांगे, न बैतुल माल से। क्या इन तमाम शरायत के बावजूद अब भी अली की बैत करने के लिए तैयार हो? अली के शर्त और शुरूत इन दिलजलों की पुकार है। वो लोग इन शरायत से डरे जिन्होंने बैतुल माल को लूट डाला है। एक एक जौ के दाने के बदले अशरफियों के सिक्के लूटे हैं। ये रुलाए गए लोग कुएं में गिरे हुए उनकी तरह हैं जिन्हें अली की अदालत का सहारा चाहिए। अय्युहन्नास, अबुल हसन की शर्त कबूल करोगे? रो रहे हो अम्मार? फतेह मक्का याद आ गया। जब बिलाल को खाने काबा के छत पर देखा था और बिलाल की अजान सुनने के बाद खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए। Thank you.
بخن بخن یا علی، علی ابن ابی طالب کی خلافت امت محمد کے نحیف و بے جان جسم کی رگوں میں تازہ خون ہے۔ عائشہ نے مکے میں خلیفہ مقتول کی خونخواہی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مکے والے لبیک کہتے ہوئے ان کے اونٹ کا طواف کر رہے ہیں، ہم بھی کعبے کی پناہ لیتے ہوئے ان سے مل جائیں گے۔ خلیفہ کے خون آلود کرتے کی قسم، جب تک ان کے قاتلین سے انتقام نہ لے لوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ خلیفہ کے قاتل خود خلیفہ کے گھر میں ہے، تم نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں مروان، توبہ کر لی ہے؟ اگر علی کی بیعت پر قائم رہو تو شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں۔ تم پھر بھی اندھے ہو مروان۔ مریم، تمہاری باتوں سے بابا کی روح عرش پر تڑپ رہی ہوگی۔ بابا مروان کو اپنی آنکھوں سے زیادہ چاہتے تھے، اس نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی لیکن خدا کے حکم سے خود بچ گیا تاکہ بابا کے خون کا انتقام لے سکے۔ اب میں بھی مروان کے ساتھ مکے جاؤں گا۔ آج کعبے کی طرف جانا گمراہی ہے، جو بھی کعبے سے لگاؤ رکھتا ہے وہ فرزند کعبہ کی مدینے میں اقتدا کرے۔ سن لیا، اب جب کہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو، ضمانت دو کہ اپنے باپ عمر کا اثر و رسوخ علی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ کوئی ضامن نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا امیر، اجازت دیجیے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ علی اگر تمہاری ضمانت لیں تو قبول کرو گے؟ میں نے قبول کیا۔ سمجھ لو کہ جس کی علی ضمانت لیں وہ خیانت نہیں کرتا۔ علی نے اس ضمانت سے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور میرے منہ پہ تالا ڈال دیا ہے۔ دیکھا رداءِ خلافت کشادگی کی وجہ سے علی کے جسم پر رو رہی ہے۔ ایک دو تین، علی سے میں نے اپنا حصہ لے لیا۔ علی کے تین دینار کم غنیمت نہیں، ایک خزانے کی برکت ہے۔ شکر۔ سچ مچ سب کو برابر سے دیا ہے؟ عرب اور عجم، امیر اور غریب، آقا اور غلام، علی کی نظر میں سب ایک۔ مہاجر اور انصار کے برابر ان کو بھی تین دینار دیے گئے تھے جو صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے۔ کاش تم نے وہ علی کا خطبہ سنا ہوتا۔ ناکام جو خلیفوں کے چہرے تو دیکھنے کے قابل تھے مروان۔ طلحہ و زبیر کی آواز تو لٹے پٹوں کی طرح دب کر رہ گئی تھی۔
मरवान वाकई उस वक्त देखने का मंजर था। यह शख्स अपनी अदालत के जरिए हमारी राह हमवार कर रहा है। बहुत जल्द यही कातिल और नाकाम खुलाफा काबे में पनाह लेंगे। अब तो खुलाफा का कत्लेआम होगा।